की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सेमीकंडक्टर डिवाइस पर, जिसे कि हम इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं और इसी को हम साथ में जो है आईजीपीटी भी कहते हैं। तो इस वीडियो को जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में रखा जाएगा। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो देखना है तो मैं उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो यहां सजेस्टेड वीडियो में डाल दे रहा हूं, हो सके तो वहां से क्लिक करके आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर ये जो आईजीपीटी है, इसे बेहतर समझने के लिए आपको समझना होगा कि मॉस्फेट क्या होता है, मॉस्फेट किस तरह से काम करता है। अगर आप उसके वर्किंग को समझते हैं तो फिर आईजीपीटी को आप बहुत ही बढ़िया समझ पाएंगे। तो मॉस्फेट पर जो है वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, मैं उस वीडियो का भी लिंक यहां सजेस्टेड वीडियो में डाल दे रहा हूं और साथ साथ उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो हो सके तो वहां से क्लिक करके देख लें। तो आगे बढ़ते हैं, हम इस वीडियो में जो है इस आईजीपीटी के बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो है हम इसके सिंबल पर भी बात करेंगे कि हम इसे जो है किस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अंततः जो है हम इसके वर्किंग की बात करेंगे कि ये जो आईजीपीटी है ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे देखेंगे। तो यहां पर इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि यहां पर देखिए तो ये एक पी टाइप मटेरियल आपको दिख रहा है। सो यहां पर ये पी प्लस है, मतलब यहां पर जो इसका डोपिंग लेवल होगा वो काफी ज्यादा होगा। और ये जो पी टाइप मटेरियल है इसे कहा जाता है कि यह है इंजेक्शन लेयर, और इसके ऊपर देखें तो यहां पर एन टाइप मटेरियल है, यहां पर एन माइनस है, इसका मतलब यहां पर इसका जो डोपिंग लेवल है वो बहुत कम होगा, ये लाइटली डोप्ड होगा हम कह सकते हैं। और इसे कहा जाता है यह है ड्रिफ्ट लेयर, और इसके ठीक ऊपर देखें तो यहां पर एक पी टाइप मटेरियल और यहां पर एक पी टाइप मटेरियल, इन दोनों ही पी टाइप मटेरियल को कहा जाता है कि यह है बॉडी रीजन, और यहां पर देखें तो दो एन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज किया गया है इस पी टाइप मटेरियल में, इस साइड भी और इस साइड भी, और इसके ऊपर यहां पर ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये वाला, ये एक इंसुलेटर है जिसे कि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, और इसके ठीक ऊपर यहां पर देखें तो ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर में, यहां पर देखें और इसी तरह से यहां पर नीचे देखें, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है इसे कहा जाता है कि यह है मेटल। सो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है यह है मेटल, ये ध्यान रखें। सो यहां पर यह है मेटल, यहां पर मेटेलिक कॉन्टैक्ट किया गया है, और यहां पर देखें तो आपको कुल तीन टर्मिनल दिखेंगे, यहां पर ये और ये दोनों को एक साथ जोड़ा गया है तो इसे कहा जाता है कि यह है एमिटर, और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है यह है गेट, और नीचे ये जो आपको इंजेक्शन लेयर दिख रहा है जिसके नीचे यहां पर एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट किया गया और उसके बाद एक टर्मिनल को निकाला गया जिसे कि हम कलेक्टर कहते हैं। तो ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब एक बार इसका जो सिंबल होता है उसे देख लेते हैं कि हम इस आईजीपीटी को किस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, और फिर यहां से निकलेगा गेट। सो यहां पर ये जो है ये हो गया गेट। अब देखें गेट के नीचे अगर आप देखें तो यहां पर जो है आपको यहां पर दिखेगा ये जो रीजन है ये तो इंसुलेटर है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है हम कह सकते हैं जो कि है यहां पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो यहां पर जो है हम एक यहां पर गैप रखेंगे, गैप मतलब यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इससे जुड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में यहां पर देखें तो ये इंसुलेटर है इसीलिए हम दोनों को जोड़ नहीं रहे हैं। सो यहां पर हमने एक गैप रखा है, और फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, हम यहां पर कुछ ऐसे और फिर यहां पर कुछ ऐसे और फिर यहां से एक टर्मिनल कुछ ऐसे निकालेंगे और फिर कुछ ऐसे निकालेंगे। तो यहां पर ये जो टर्मिनल है इसे कहा जाता है यह कलेक्टर, और यहां पर ये जो टर्मिनल है इसे कहा जाता है यह एमिटर। अब यहां पर एक एरो लगाया जाता है, वो जो एरो होता है वो एमिटर की तरफ होता है, कुछ इस डायरेक्शन में एरो होता है। सो ये हो गया आईजीपीटी का सिंबल। अब चलिए इसके वर्किंग को देख लेते हैं कि ये जो आईजीपीटी है ये किस तरह से काम करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर ये जो एमिटर है और ये जो कलेक्टर है इनके बीच में जोड़ेंगे बैटरी। हमें यह देखना है कि करंट कलेक्टर से एमिटर की तरफ किस तरह से फ्लो होता है। सो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक जोड़ेंगे बैटरी। तो यहां से हम एक लाएंगे वायर जोड़ करके, तार हमने जोड़ा और फिर यहां पर हम जोड़ेंगे एक बैटरी।
तो यहां पर हम जोड़ेंगे अभी एक बैटरी। सो ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और फिर यहां पर नेगेटिव टर्मिनल, और फिर यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और फिर यहां से हम क्या करेंगे, हम इसे जोड़ देंगे यहां पर ये जो कलेक्टर है। सो यहां पर ये जो कलेक्टर है इससे जोड़ देंगे कुछ ऐसे। तो हमने इस कलेक्टर से जोड़ दिया। अब देखिए आप, जब हम यहां पर बैटरी को जोड़ेंगे तो होगा ये कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये जो जंक्शन है, देखें तो तीन जंक्शन आपको दिखेंगे, एक जंक्शन ये, दूसरा यहां पर ये, मतलब कि यहां पर यही जंक्शन होगा। सो दो जंक्शन और यहां पर ये तीन जंक्शन हो गए। सो तीन जंक्शन आपको दिखेंगे। तो अभी यहां पर ये जो जंक्शन है, यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, पी साइड से एन साइड की तरफ, मतलब यह है कि ये जो जंक्शन होगा ये फॉरवर्ड बायस में होगा। तो यहां पर ये जो जंक्शन होगा, ये वाला जो जंक्शन होगा, ये होगा फॉरवर्ड बायस में। सो ये हो गया फॉरवर्ड बायस में। वहीं पर अगर आप इस जंक्शन में देखें, ये वाला जो जंक्शन है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, एन साइड से पी साइड की तरफ, अर्थात उल्टा बन रहा है। तो यहां पर ये जो जंक्शन होगा ये रिवर्स बायस में होगा। सो यहां पर ये जो जंक्शन हुआ, ये वाला ये होगा रिवर्स बायस में। इसी तरह से यहां पर ये जो जंक्शन होगा यह भी होगा रिवर्स बायस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा एन साइड से पी साइड की तरफ, यहां पर यह भी होगा रिवर्स बायस में ही। और यहां पर देखें, ये जो आपको दिख रहा है ये पी साइड और ये जो एन प्लस है, यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा। तो फिर यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पी साइड से एन साइड की तरफ बन रहा है, मतलब कि ये जो जंक्शन होगा यह भी होगा फॉरवर्ड बायस में। सो यहां पर ये जो जंक्शन हुआ, ये वाला ये होगा फॉरवर्ड बायस में। इसी तरह से इस साइड देखें तो यहां पर ये जो जंक्शन होगा ये होगा फॉरवर्ड बायस में। तो अभी दो पीएन जंक्शन आपको दिखेंगे फॉरवर्ड बायस में, एक ये और दूसरा ए, लेकिन बीच में ये जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस में है। तो अब ये जो बैटरी है ये कोशिश तो कर रहा है कि करंट यहां से कुछ ऐसे यहां से इस तरह से फ्लो कर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और यहां भी करंट कोशिश कर रहा है करंट जो है कुछ ऐसा फ्लो कर जाए, यहां भी ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में ये जो जंक्शन है ये है रिवर्स बायस में, और हमें पता है कि रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता है, तो यहां भी नहीं होगा। चाहे आप बैटरी को उल्टा जोड़ लें, आप ये जो साइड है इसे पॉजिटिव से जोड़ लें और ये जो साइड है ये निगेटिव से जोड़ लें, तब भी करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, किसी भी तरह से आप जोड़ लें, लेकिन यहां पर करंट का फ्लो नहीं होगा। सो इस तरह के केस में करंट का फ्लो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अब यहां पर ये जो गेट है और ये जो इमीटर है इसके बीच में हम जोड़ेंगे एक बैटरी। तो यहां पर हम जोड़ेंगे एक बैटरी, यहां से हम ले जाएंगे एक बैटरी जोड़ेंगे यहां पर। तो यहां पर हम रखेंगे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। सो यहां पर ये हो गया निगेटिव टर्मिनल और ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम जोड़ेंगे यहां पर ये जो गेट आपको दिख रहा है इसके साथ। तो हमने यहां पर बैटरी को जोड़ दिया। नाम दे देते हैं कि ये जो बैटरी है, यहां पर ये जो बैटरी आपको दिख रहा है ये बैटरी है यहां पर वीजी। सो गेट वोल्टेज है ये वीजी, नाम दे देते हैं। और यहां पर ये जो बैटरी है इसे नाम दे देते हैं कि ये जो बैटरी है ये है वीसीसी। सो ये जो है ये है वीसीसी। अब देखें आप, जैसे हमने इस बैटरी को जोड़ा तो होगा ये कि यहां पर ये जो मेटल है, ये जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट है, इसके यहां पर ये जो साइड है इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो यहां पर आ गया कुछ पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा हो गया, तो इस साइड हो गया पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में बन रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो देखें होगा क्या, यहां पर ये जो रीजन है इसमें ऑब्वियसली ये एन टाइप मटेरियल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें इसमें जो है होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो है होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ठीक है इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये जो आपको पी टाइप मटेरियल दिख रहा है इसमें क्या होगा, इसमें होगा होल। सो यहां पर होंगे होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पर, और यहां भी कुछ इस तरह से बहुत बहुत सारे होल होंगे। इसी तरह से आप यहां भी समझ सकते हैं कि यहां पर जो है बहुत सारे इस तरह से यहां पर भी होल रहेंगे कुछ ऐसे। अब अगर देखें तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पर इस पी टाइप मटेरियल में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। सो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत कम होंगे लेकिन होंगे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में बनेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
तो होगा ये कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहां भी होंगे, इस साइड में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन को जो है यहां पर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होगा ये कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहुंच जाएगा यहां तक। तो यहां से इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि यहां पर पहुंच गया, सो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चलाया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चलाया, और इसी तरह से इस साइड भी होगा, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखें आप, अब ये जो पी टाइप मटेरियल है, यहां पर आप ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, इसमें अगर आप देखें इस सेक्शन को, यहां पर ये जो पी टाइप मटेरियल है इसका पी टाइप थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल हैं। तो अब क्या किया जाए, अब यहां पर ये जो वोल्टेज है, ये जो गेट में वोल्टेज हमने जोड़ा है, इसे बढ़ा देते हैं। सो इसका जो वैल्यू है इसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर यहां पर एक सिचुएशन आएगा कि इसमें ये जो पी टाइप मटेरियल है, इसमें जो एटम होंगे उसके जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव किया, सो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से इस डायरेक्शन में मूव किया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा वहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो होल है वो होल यहां पर इस डायरेक्शन में मूव किया, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल मूव कर रहा है। तो होगा ये कि हम ये कहेंगे कि यहां पर ये जो आपको होल दिख रहा है, सो यहां पर ये जो आपको होल दिख रहा है, ये होल अब हम कहेंगे कि नीचे चलाया, तो यहां पर होल यहां पर नीचे चलाया और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर पहुंच गया, सो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया। यही चीज यहां भी हमें देखने को मिलेगा, यहां से होल जो है ये नीचे चलाया हम कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया, सो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया यहां तक। अब देखें आप, इतना पार्ट आप देखें पी टाइप का, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहां पर, और यहां पर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहां पर, इस पार्ट को देखें, भले ही ये पी टाइप मटेरियल है लेकिन अब इसमें होल गायब हो गए, अब सिर्फ यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर एक चैनल बन गया है हम कह सकते हैं। अब देखिए आप, अब करंट का फ्लो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब इसमें जो है यहां पर होल नहीं है और यहां पर देखें तो होल नहीं है, दोनों ही तरफ देखें तो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तो मूव कर सकता है, और यहां पर एन साइड है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर ये तो फॉरवर्ड बायस में है ही, तो यहां से अब करंट का फ्लो होना पॉसिबल हो गया। तो करंट जो है यहां से, जो करंट का फ्लो होगा वो करंट कैसा फ्लो करेगा, करंट यहां से जो है कुछ ऐसे, करंट यहां से कुछ ऐसे, और फिर यहां पर कुछ इस तरह से करंट का फ्लो होगा, और इसी तरह से करंट जो है यहां भी कुछ ऐसे फ्लो करेगा। सो करंट यहां पर जो है कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, करंट का यहां पर ये होगा कुछ इस तरह से फ्लो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहां पर इस गेट में वोल्टेज को जोड़ा। आपके मन में आ सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जब यहां तक पहुंचा है तो ये आगे क्यों नहीं मूव कर सकता है। देखें आगे अगर देखें तो यहां पर जो आपको दिख रहा है ये एक इंसुलेटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारे आपको जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो करंट यहां पर इस तरह से फ्लो होना पॉसिबल हो गया जैसे ही हमने इस गेट वाले वोल्टेज को जोड़ा। अब अगर हम इस वोल्टेज को और बढ़ा देते हैं, ये जो गेट वोल्टेज है इसे हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो होगा ये कि अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसमें और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, सो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। अब करंट जो है, ये जो करंट का फ्लो हो रहा है, कलेक्टर करंट जो यहां से फ्लो कर रहा है, यहां से ये जो करंट का फ्लो हो रहा है ये भी बढ़ जाएगा। हम इसे बढ़ाएंगे तो कलेक्टर करंट अपने आप बढ़ेगा, लेकिन इसका भी अपना एक लिमिट होता है। अगर हम कलेक्टर करंट को बहुत ज्यादा कर देंगे तो फिर यहां पर एक आता है लैच अप मोड, हम उस पर चर्चा इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।